दोस्तों, मैं हूं आजाद और हम लोग देख रहे हैं कॉमर्स जोन का वीडियो लेक्चर सीरीज। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा साझेदार का प्रवेश। तो साझेदार के प्रवेश को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि साझेदारी का पुनर्गठन से क्या मतलब होता है, क्योंकि ये बात अगर आपको समझ में आती है तो लाभ विभाजन अनुपात, साझेदार का प्रवेश, साझेदार की निवृत्ति और साझेदार की मृत्यु, इन चारों टॉपिक्स के अंदर आपको किसी तरह की समस्या नहीं आने वाली। पुनर्गठन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का फिर से गठन करना, फिर से बनाने को हम कहते हैं पुनर्गठन। हमने अपने पुराने लेक्चर में देखा था जिसके अंदर हमने कहा कि साझेदारी की मूलभूत बातें कौन कौन सी होती है। उसके अंदर हमने कहा था कि साझेदारी से आशय कुछ लोगों के बीच में एक सहमति से है, जिसके आधार पर वो व्यापार करते हैं, जिसके आधार पर व्यापार से होने वाले लाभ या हानि का बंटवारा किया जाता है। तो यदि उस सहमति में किसी तरह का परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम कहेंगे पुनर्गठन। यहां तक बात समझ में आती है? तो इसका मतलब जो भी सहमति हुई है उस सहमति के अंदर किसी तरह का बदलाव अगर हो जाता है उसे हम कहते हैं पुनर्गठन। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ सहमति बदली है, व्यापार चल रहा है, साझेदार की फर्म जो है वो चल रही है, उसके अंदर किसी तरह की कमी नहीं आई है, वो समाप्त नहीं होता, चलना बंद नहीं होता। तो अब अपन अगर पुनर्गठन का मतलब समझ लिए हैं तो हमें पता चल जाएगा कि पुनर्गठन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो साहब, यदि हम कहें कि पहले तीन साझेदार थे, वो आपस में लाभों को बराबर बराबर बांटते हैं, उन्होंने तय किया कि इस वित्तीय वर्ष से लाभ का विभाजन अनुपात जो है बराबर बराबर न होकर के 3:2:1 में होगा। इसका मतलब क्या हुआ? लाभ विभाजन अनुपात परिवर्तित हो गया, बदल गया है। जब लाभ विभाजन अनुपात बदल गया है इसका मतलब पुनर्गठन हो गया है। ये हुआ पहला उदाहरण आपका पुनर्गठन का। उसके बाद में मान लीजिए तीन जने काम करते हैं, उन्होंने सोचा कि चलो नए साझेदार का प्रवेश करवा लेते हैं, कुछ फायदा होगा हमें, नया साझेदार आ जाता है। अब फिर से इनके बीच में सहमति में बदलाव करना पड़ेगा, लाभ विभाजन कितना होगा, पूंजी कितनी होगी, क्या का मूल्यांकन कैसे होगा, ये सब चीजें आप फिर तय करोगे। उसी प्रकार से कोई साझेदार पहले से जो काम कर रहा है वो निवृत्त सेवानिवृत्त होना चाहता है, रिटायर होना चाहता है, अभी भी आपके बीच में जो सहमति थी वो परिवर्तित करनी पड़ेगी। उसी प्रकार मान लीजिए किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो क्या करना पड़ेगा? जो आपकी पुरानी सहमति थी उस सहमति को आपको फिर से बदलना पड़ेगा। तो ये होता है आपका पुनर्गठन के अलग अलग उदाहरण। तो पुनर्गठन यदि आपको समझ में आता है तो अगले तीन चैप्टर जो है आपके लिए बड़े आसान हो जाते हैं। तीन चैप्टर कौन कौन से? साझेदार का प्रवेश है जो तो है, साझेदार की निवृत्ति, साझेदार की मृत्यु और लाभ विभाजन अनुपात। तो इन चीजों को आपको समझ में आ जाएगा यदि पुनर्गठन का मतलब आपको समझ में आता है। अब बात करते हैं साहब साझेदार के प्रवेश की। तो साझेदार, नए साझेदार को प्रवेश देने की जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले अपन इस चीज को समझें। तो साहब बात यह आती है कि हमारे पास में संसाधनों की कमी हमेशा रहती है। बड़े से बड़े व्यापारी के पास संसाधनों की कमी होती है, तो उन संसाधनों की कमी की पूर्ति करने के लिए साझेदार क्या करते हैं? एक नए साझेदार को प्रवेश दे देते हैं। इसका मतलब मूल्य में वृद्धि होगी आपकी, सॉरी मूल्य में नहीं, लाभों में आपकी वृद्धि हो जाएगी। तो लाभों में वृद्धि के अंदेशे से या उसकी इच्छा से नए पार्टनर को हम लोग क्या करते हैं? नए पार्टनर को प्रवेश दे देते हैं। फिर बात आती है साहब नए पार्टनर को अगर प्रवेश देना है तो उसे प्रवेश दोगे किस तरीके से? तो सिंपल सी बात क्या होती है, नए पार्टनर को प्रवेश देना, तो जब तक पुराने पार्टनर सभी नहीं मान जाएंगे तब तक हम नए साझेदार को प्रवेश नहीं देंगे। इसका मतलब 20 में से यदि एक साझेदार ने कह दिया कि साझेदार को प्रवेश नहीं देना चाहते तो साझेदार का प्रवेश नहीं हो सकता, सभी जने मानेंगे तो ही साझेदार का प्रवेश संभव होगा, वरना नहीं। फिर बात आती है साहब साझेदार का प्रवेश होना तय हो गया, अब कौन कौन सी बातों पे ध्यान देना है? तो 5 बातों पे आपको ध्यान देना है। कहने का मतलब इस पूरे चैप्टर में यदि आपको ये 5 बातें समझ में आती है तो इस चैप्टर में समस्या होनी नहीं है। कौन कौन सी 5 बातें हैं? सबसे पहले लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, नया लाभ विभाजन निकालना, पुराने का पता करना, त्याग हुआ है या फायदा हुआ उसका अनुपात की गणना करना, सबसे पहला काम ये होगा।
उसके बाद में हम करेंगे ख्याति का मूल्यांकन। जब कभी भी साझेदारों के बीच में आपस में सहमति परिवर्तित होती है, सहमति में परिवर्तन होता है, तो क्या होता है, ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद में क्या है, पुनर्मूल्यांकन करना। किसका पुनर्मूल्यांकन करना, जो संपत्तियां हमारे पास पड़ी है, जो दायित्व हमारे अभी है, इन संपत्तियों या दायित्वों को हम क्या करेंगे, पुनर्मूल्यांकन करेंगे, इनका इनसे होने वाले फायदे या लाभ को बांटेंगे। उसके बाद में क्या करना है आपको, संचित लाभ या है या संचित हानि है या फिर आपके संचय जो है, इनको आपको बांटना पड़ेगा साझेदारों के मध्य। उसके बाद में क्या हो जाएगा, अंत में साझेदारों के पूंजी का समायोजन करना है, क्योंकि जितने भी परिवर्तन हुए हैं उन सब परिवर्तनों से क्या होने वाला है, आपकी पूंजी की स्थिति जो है परिवर्तित हो जाएगी, तो उस पूंजी में होने वाले परिवर्तन का आपको समायोजन करना पड़ेगा। तो इसके अंदर सबसे पहले हम करते हैं हमारा लाभ विभाजन अनुपात। लाभ विभाजन अनुपात का मतलब क्या होता है, उस अनुपात जिसमें कि साझेदार व्यापार से होने वाले लाभों को बांटते हैं उसे हम कहते हैं लाभ विभाजन अनुपात। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ए बी सी तीन साझेदार है, तीनों मिलकर व्यापार करते हैं और तीनों ने तय किया कि लाभों को हम बराबर बराबर बांटेंगे, तो लाभ विभाजन अनुपात कितना होगा, एक एक एक, तीनों को एक एक हिस्सा मिलेगा, कुल हिस्से होंगे तीन, तीनों में से एक एक हिस्सा मिलेगा, इसका मतलब तीनों को बराबर मिलने वाला है। ये हुआ था पुराना लाभ विभाजन अनुपात। नया लाभ विभाजन अनुपात का मतलब क्या होता है, नया लाभ विभाजन अनुपात का मतलब होता है अभी जो पुनर्गठन की बात हो रही है उसके बाद में क्या अनुपात होगा। जैसे कि हमने कहा कि तीन पार्टनर थे, तीनों बराबर लाभ बांटते थे, अब इन्होंने तय किया कि लाभ विभाजन अनुपात 3:2:1 के अनुपात में बांटा जाएगा, तो इसका मतलब पुराना अनुपात था 1:1:1, नया अनुपात हो जाएगा 3:2:1, तो इसे हम कहेंगे नया अनुपात। फिर बात आती है साहब, इस नए अनुपात और पुराने अनुपात में फर्क होना ही है, अगर नए अनुपात में पुनर्गठन हुआ ही नहीं तो इन दोनों के बीच में जो फर्क होगा, या तो किसी साझेदार को फायदा पहुंचेगा या किसी साझेदार को त्याग करना पड़ेगा, तो इन दोनों की वजह से जो है या तो त्याग होगा किसी साझेदार को करना होगा या फिर किसी साझेदार को लाभ होगा, उसे हम कहेंगे लाभ का अनुपात या त्याग का अनुपात। तो उसकी गणना हम कैसे करेंगे, फायदे का अनुपात कब होगा, पहले की तुलना में अब ज्यादा मिल रहा है तो फायदा, पहले की तुलना में अब कम मिल रहा है तो नुकसान या त्याग। तो हम क्या करेंगे, पुराने अनुपात और नए अनुपात में अंतर देखेंगे। तो नया अनुपात में से यदि हम पुराना अनुपात कम कर दें तो वो फॉर्मूला हमारा किसके लिए होगा, फायदे के अनुपात के लिए होगा, और पुराने अनुपात में से नया अनुपात यदि हम निकाल दें तो वो अनुपात किसके लिए होगा, हमारा त्याग का अनुपात निकालने की विधि होगी। यहां तक बात समझ में आती है आपको। अगले वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया है, इस त्याग लाभ विभाजन अनुपात को हमने क्या किया है, कई प्रश्नों द्वारा इसको हल करने की कोशिश की है, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि अलग अलग परिस्थितियां कौन कौन सी हो सकती है जिसके अंदर लाभ विभाजन अनुपात में जो भी परिवर्तन होता है उसकी परिस्थितियों की अपने को जानकारी हो सके। तो हमने क्या किया, इस पूरे चैप्टर में जो पांच मुख्य चीजें जो आपको करनी है उन पांचों के ऊपर एक एक थ्योरी का वीडियो लेक्चर बनाया है और एक एक प्रैक्टिकल का वीडियो लेक्चर बनाया है। तो आप लोग को अगर ये टॉपिक पूरा चैप्टर बढ़िया से करना है तो इन पांचों टॉपिक्स की थ्योरी और इन पांचों टॉपिक्स के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनके वीडियो लेक्चर्स देख लेना, और मुझे पक्का विश्वास है कि करने के बाद में आपको किसी तरह की समस्या साझेदार के प्रवेश में तो नहीं आने वाली। आती है यहां तक बात समझ में, तो चलिए अपन शुरू करते हैं लाभ विभाजन अनुपात का जो हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना है वो अपन करके देखते हैं कि इससे संबंधित अभी अपने बोर्ड एग्जाम में सवाल आते हैं तो उनका हल हम किस तरीके से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर हम लोग।